मैंने मैं अहमदुल्ला। आप देख रहे दोस्तों आपके ऊपर आपने रखी यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रशांत सर की वीडियो, ईरान रिफ्यूजेज टू रेज कश्मीर इशू जी वीडियो पाकिस्तान पी एम। बिल्कुल दोस्तों पहले देख लेते हैं दोस्तों वीडियो और वीडियो के अंदर क्या क्यों ये हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं रईसी साहब प्रेजिडेंट ऑफ ईरान आई थिंक, तो देखते हैं दोस्तों वीडियो फिर इस पर मुझे बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने एक बात नोट करी होगी कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्लामिक नेशंस, एक ईरान दूसरा सऊदी अरेबिया, दोनों ने ही कश्मीर का इशू रेज करने से मना कर दिया इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया के केस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, 9.5 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए और वहां पे उनको उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया की सरकार इनके साथ खड़े होकर कहेगी कि कश्मीर के इशू को लेकर हम चिंतित हैं, सऊदी अरेबिया ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उल्टा ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी कश्मीर का मेंशन नहीं था। अब सऊदी अरेबिया के बाद बारी आई ईरान की। ईरान देखिए एक ऐसा कंट्री है जो इन द पास्ट कश्मीर का इशू रेस कर चुका है। तो ईरान के प्रेसिडेंट जब गए पाकिस्तान में तो सबको उम्मीद थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली कश्मीर का इशू ओपनली रेस करेंगे और ईरान भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे देगा, बट सरप्राइजिंगली ईरान ने कश्मीर का मेंशन अवॉइड किया। ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, पहले तो शहबाज शरीफ ओपनली खुल के कश्मीर के बारे में बात बोलेंगे। हालांकि मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर दूं कि जो भी शहबाज शरीफ को आप बोलते हुए सुनोगे ना, सऊदी अरेबिया ने इतना तक भी अलाउ नहीं किया था। ईरान तो थोड़ा बहुत आप कह लीजिए इसमें इतना माइंड नहीं कर रहा कि तुम्हें जो बोलना है बोल लो, हमसे मत बोलना कि कश्मीर का इशू हम रेस करें। सऊदी अरेबिया ने ये तक करने से भी मना कर दिया था। खैर, अब यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से ये कश्मीर का इशू रेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ ईरान प्रेसिडेंट। जनाब सदर, कश्मीर की वादी में आज भी उनकी वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मैं आपका और ईरान के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिलेंगे। अब यहाँ पे ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी, ये फारसी में बहुत ही लंबा अपना जो आंसर है देंगे, मगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी इनके आंसर में, इन्होंने एक बार भी कश्मीर का मेंशन तक नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 4 बार कश्मीर बोल के ये अच्छे बोला कि देखो आपने कश्मीर का मुद्दा रेज किया है, कश्मीर में ये कश्मीर में ऐसे, तो आपने काफ़ी हमारी हेल्प करी है, बट ईरान ने एक बार भी कश्मीर का मेंशन तक नहीं किया। हाँ, इन्होंने ये कहा है कि सारे UNSC रेजोल्यूशन अगेंस्ट ऑल ऑपरेशंस इसको ये सपोर्ट करते हैं। अभी ये गोलमोल जनरल सी स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि इन दी एंड इन्होंने घूम फिर के मुद्दा ये लेके आ गए गाजा पे। पाकिस्तान को गाजा की उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिकली इनके इंटरेस्ट कश्मीर से ज़्यादा अलाइंड है, तो ईरान ने फोकस किया सीधा गाजा पे कि पाकिस्तान गाजा पे फोकस करो, कश्मीर पर अभी के लिए हम कुछ भी बोलने नहीं वाले। और अगर आप सोच रहे हैं ठीक है ईरान की शायद हमेशा से यही स्टैंडिंग रही होगी, नहीं, ईरान एक टाइम पर खुल के कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट दिया करता था। इधर आप देख पाओगे ये ट्वीट, ऐसी ट्वीट ना शायद एर्दोगान ने भी नहीं करी होगी कभी। ये यहाँ पर ट्विटर हैंडल है आयतुल्ला खमेनी का, ये हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, ये प्रेसिडेंट के भी ऊपर आते हैं आयतुल्ला खमेनी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जी मुस्लिम वर्ल्ड को खुल के सपोर्ट करना चाहिए, बहरीन, कश्मीर, यमन, जहाँ पर भी ऑप्रेसर्स जो टायरेंट्स हैं ये अटैक कर रहे हैं लोगों को रमज़ान में। ऐसी स्टेटमेंट मैं आपको बता दूँ टर्की की तरफ से भी नहीं आई होगी। आप अगर पिछले आई थिंक 10 सालों में देखोगे ना, तो शायद टर्की से भी ज़्यादा बार खुलकर कश्मीर का इशू ईरान ने रेस किया था। ये तो ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ 2017 की, 2017 से लेकर अब 2024 में दुनिया बहुत हद तक बदल चुकी है, 7 साल बीत चुके हैं, बीच में कई बार 2019 में भी, उसके अलावा इवन आप अगर उससे पहले भी जाओगे 2014 के आसपास ईरान खूब बार बार कश्मीर का इशू रेस करता था पाकिस्तान के लिए, मगर अब पहली बार देख रहा हूँ ईरान के पास देखिए खुला मैदान था। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है बार बार कश्मीर कश्मीर बोल रहे हैं, ईरान की तारीफें कर रहे हैं कि थैंक यू आपने कश्मीर का इशू रेज किया, थैंक यू आप ये सब कहते थे, मगर ईरान को पता था आज के समय समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं, कश्मीर की हालत जेन्युइनली सुधर रही है
और इंडिया के साथ ये अपने रिलेशंस ऐसे टाइम में खराब नहीं कर सकते जब इसराइल के साथ वॉर की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अभी भी जो वॉर का खतरा है कंप्लीटली टला नहीं है। और मोस्ट रिसेंटली जो इसराइल ने ईरान के साथ किया है, जो रिमाइंड करवाया है इसराइल ने कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है, ये देखकर मैंने एक बात नोट करी है, ईरान के ऑफिशियल्स थोड़े से अब हम्बल हो चुके हैं, ये ज़्यादा अब बहुत बड़े धाड़े नहीं मार रहे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान का इस्फहान एयरबेस है। इस टॉपिक पर मैंने एक बार शॉर्ट वीडियो भी करी है अपलोड और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं हमारे सामने। ये है इस्फहान एयरबेस और यहाँ पे सड़प कर रखा है ईरान ने S-300 को, जो इनको मिला था रशिया से। इंडिया के पास S-400 है जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू एन S-300। इसराइल के देखिए ड्रोन आए, मिसाइल आया, पता नहीं क्या आया, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे S-300 का बुरा हाल करके चला गया इसराइल। ईरान जेन्युइनली शॉक्ड है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम जो इनको उम्मीद थी कि इनको बचाएगा, इसराइल ने सबसे पहले उसको ही शूट डाउन कर दिया, टेक डाउन कर दिया और ईरान को बता दिया कोई कोई चीज़ आपको बचा नहीं पाएगी, एयर डिफेंस सिस्टम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा जब हम एक जेन्युइन अटैक करेंगे। हालांकि इसराइल अभी कोई एक बड़ा अटैक कर नहीं रहा क्योंकि US एक लार्जर वॉर नहीं चाहता, बट इसराइल ने क्लियरली ईरान को बता दिया था कि वो क्या कर सकते हैं अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो उसका भी कहीं ना कहीं देखिए इम्पैक्ट पड़ा ईरान पे। अगर मान लो इसराइल ये ना करता ना और इसराइल बस चुप होकर बैठ जाता, ईरान फील करता कि रीजन में ये लॉयन है, इन्होंने इसराइल पे 300 मिसाइल ड्रोन्स मार दिए, चाहे जितने भी उसमें से फेल हुए हो या फिर जितने भी बाकी जगह गिरे हो, इसराइल उसके रिस्पांस में कुछ कर नहीं पाया। मगर जो ये फोटो है ना, इसने ईरान को हम्बल कर दिया है। और उसके अलावा यूरोप और USA ने एडिशनल सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं ईरान पर। इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने रिसेंटली नेतन्याहू के साथ खड़े होकर ये कहा कि देखिए रीजन को हम डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, ईरान को हम रोकेंगे। तो ईरान अब ग्लोबली ऑलरेडी काफ़ी आइसोलेटेड था, अब और आइसोलेट हो रहा है। तो बिल्कुल ये पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर का इशू डेफिनेटली रेज नहीं करने वाले थे। हालांकि मैं ये कहूँगा ईरान एक ज़्यादा अच्छी पॉलिसी अपनाता अगर सऊदी अरेबिया की तरह ये पाकिस्तान को कह देते कि जो जॉइंट यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो जॉइंट स्टेटमेंट दी जाएगी, उसमें भी आप वर्बली कश्मीर का मेंशन नहीं करेंगे। खैर वो एक इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर हो सकती है, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांजिशन कितना बड़ा है। जो देश जिसके सुप्रीम लीडर खुल के कश्मीर का इशू रेस किया करते थे, अब पाकिस्तान में खड़े होकर उनके PM के साथ भी कश्मीर जो ये वर्ड है ये भी अपने मुँह से नहीं निकाल पा रहे। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ सकता है, नाउ कश्मीर इशू के अलावा कुछ यहाँ पे डिस्कस हुआ है? तो हाँ बिल्कुल, एक प्रपोजल था पाकिस्तान का कि दोनों कंट्रीज़ का जो ट्रेड है ये $10 बिलियन अ ईयर तक लेके जाएंगे। अभी के लिए ईरान पाकिस्तान का ट्रेड सिर्फ $2 बिलियन के आसपास का है, तो इसको ये 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाएंगे एडिशनल सैंक्शंस के अंडर, नोवा नोज, बट यू नो एक बार को आप कह लीजिए एक दूसरे को ये वादे किए गए हैं। और सबसे बड़ा इशू देखिए ईरान और पाकिस्तान का है, ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन जिसके अगेंस्ट USA है। इस टॉपिक पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि USA ने वार्न किया पाकिस्तान को कि अगर तुमने ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन बिल्ड कर दी तो हम तुम पर सैंक्शंस इम्पोज करेंगे। ये इशू इतना डिस्कस किया नहीं गया इसलिए ईरान और पाकिस्तान के बीच में। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं जो विजिट थी ईरान की प्रेसिडेंट की टू पाकिस्तान, कुछ सब्सटैंटिव यहाँ पर निकल के आया नहीं है। दोनों कंट्रीज ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपने इंटरेस्ट की बात कर रही थी। पाकिस्तान कश्मीर पर फोकस करवा रहा था जबकि ईरान का ज़रा फोकस था गाजा पे। तो वैसे आने वाले टाइम में देखिए ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी न्यूज़ में रहेंगे प्राइमरली बिकॉज ऑफ US सैंक्शंस। तो उस पर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में किस कंट्री ने ये कहा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये एक बहुत ही बड़ा रिसर्च हब बनाएंगे, अ लार्ज रिसर्च हब। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इटली, जापान या फ्रांस। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये देश एक बड़ा रिसर्च हब ओपन करेगा इंडिया की कैपिटल में। बताइए कौन सा देश है ये? जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कॉमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बिल्कुल जी, जिस तरह इससे पहले भी हुआ पाकिस्तान के साथ कि सऊदी अरब ने तो बिल्कुल मना कर दिया, बल्कि ये बयान दे दिया कि ये आपका भाई वाजे कर दिया पाकिस्तान पर कि ये हमारा मसला नहीं है, ना हम इस मसले में आएंगे, ये आपका बाई लेटरल इशू है, आप खुद दोनों सॉल्व करें। मतलब खरा खरा जवाब दे दिया, या दूसरे लफ्जों में कहें वो बात कर दी जो इंडिया बात करता है, बल्कि वो बात कर दी जो पाकिस्तान ने खुद सहन किए हुए हैं। ठीक तो किया है सऊदीया ने भी और ईरान ने भी,
यार एक जो सिरे से ही मसला खत्म हो गया है, खत्म हो गया। इंडिया वालों ने खत्म ही कर दिया। हाँ जी, जब से 370 थ्री हो गया सेवेंटी उन्होंने हटाई, और जितनी वहां उन्होंने डेवलपमेंट करा डेवलपमेंट दी थी, शुरू जो कर दी। डेवलपमेंट के बाद आप तो कश्मीरी भी बोलते हैं कि हमारे खुदा जान के छोड़ लिए, दो। ऐसे हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हमारी खुदा के लिए जान छोड़ दो, अपना मुल्क देखो। तो ये जो वजीर आजम साहब है, क्यों ये कह रहे हैं कि आज भी वहां पे वो जो वादी है वो सुरख हो खून चुकी है उनके खून खून से है। से। और भाई उनके खून से सुरख नहीं हो चुकी, आप जो है ना धक्के से वो सुरख कर रहे हैं, बातों से सुरख कर रहे हैं। आप अपने मुल्क की तरफ तवज्जो इतनी दे नहीं रहे जितनी आप वहां के कश्मीर के इशू पे दे रहे हैं। मैं बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में ईरान ने जवाब दिया, बिल्कुल बात नहीं की उसको उसने इस पर। इशू ही नहीं उठाया, सिरे से ही उसने टच नहीं किया। हालांकि जैसे वो हमारे वजीर आजम शोबाज शरीफ साहब जो है वो कश्मीर का मुद्दा लेके राग जो है अलापना शुरू कर देते हैं। यार ये भी कौन सा गधा हमारे सर पर बैठा हुआ है, ओ भाई इज्जत किया करो, पीएम है आपका। इज्जत थोड़ी, ये थोड़ी इज्जत उसको यार, एक नया रुतबा एक नया मकाम के नए नाम के साथ पुकार रहा हूँ तो उसको कोई पता नहीं है। मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है इस तरह की बातें करता है, पता नहीं क्या यार है उसको, तो कुछ पता ही भी नहीं है, कुछ बेकार ही कसम से। बड़ा गुस्सा था लेकिन कुछ क्या करे, कुछ नहीं कर तोड़ सकता। दो किसको तोड़ दो, सेलफोन को, ये कैमरे को कुछ चीज नहीं मारो, सीधा ये सा, कोई इसका कौन सीधा सा सा है कि कैमरे को कुछ अपना चीज मारो, अपना तोड़ सर जो है वो दीवार में मार या रहा है। सर मारो चलो, उठ कर दो आपको, ये भी कोई प्रॉब्लम का उसको जो फर्क उसके नहीं कारण पड़ना, नहीं आप है, गधा बोले गधी बोले या जो मर्जी उसको बोलो, उसको क्या फर्क पड़ता। अब वो देखें वो कि कौन अपने सा आपके आप को, बोर्ड ये से पता आया है क्या है। बात ही, मैं बताता हूँ कि यह साबित करना चाहता है, ये अभी भी ये कहना चाहता है, साबित करना चाहता है कि मैं बड़ा जो है ना मुहिब्बे वतन हुई मदारी कश्मीर है। का खैर हाँ, खाम, और मैं कश्मीर के, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी है ना, हम कश्मीर के मुद्दे पर बड़ा जो है ना भड़क जाते हैं चूरन उनके, बेचते हैं। और हम जो है ना, हमें लगता है कि जो कश्मीर की बात कर रहा है ये वाकई जो है ना एक मुहिब्बे वतन है, ये सच्चा एक पाकिस्तानी सच्चा लीडर है। और शहबाज़ शरीफ वो भी आज भी यही समझता, और इसलिए उसने ये मुंह से जो बकवास की है ये कर रहा दोबारा। और जहां पर भी जाता है, फ्रांस में भी मेरे ख्याल से जब पीडीएम वन में था तो उस वक्त भी इसने आई थिंक की थी कि नहीं, क्योंकि ज्यादा मरतबा ये जान गया था कश्मीरी किसने बात जरूर करनी होती है और हकीकत में कुछ नहीं करता। कब मजा तो तब है जब प्रैक्टिकल कुछ करे, सिर्फ जुबान से बकता रहता है। अब जो इनके पास आया मेहमान है ईरान का जो सदर है इब्राहिम, जो वो आए तो उनसे भी यही बात कह रहे, तो उन्होंने अगर कोई रिस्पॉन्स ईरान की दिया इस पॉलिसी बात इधर भी पर। कितनी चेंज हुई है, क्योंकि जारी बात है ईरान के इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे तुलकात हैं, कि 2017 का उन्होंने ट्वीट इंडिया दिखाया वहां पे चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया का, ईरान के जो आयतुल्लाह खमीनी का बयान है 2017 का बहुत दिखाया, उसमें उन्होंने कितना बकायदा बड़ा सख्त एक बयान दिया था कश्मीर पर। तो आज देख रहे उन्होंने नाम तक नहीं लिया, नाम लेना भी गवारा नहीं समझा, और उसके बाद फिर जो इसराइल ने उधर किया वो बकायदा इमेज दिखा दी प्रशांत सर ने, कि वो S-300 में उड़ा के रख लिया। यार ये वाकई, ये तो ये क्या मसला, आप रशिया की हम तो बातें करते थे कि रशिया का बड़ा जो डिफेंस सिस्टम ये भी बड़ा पावरफुल है, S-300 को भी कुछ नहीं बना, वो उसको भी S-300 थोड़ा एडवांस है ना, S-400 एडवांस, अब तो S-5 भी मेरे ख्याल में रशिया ने लॉन्च कर दिया हुआ है, S-500 भी, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है, तो यार उसकी रेंज ज्यादा है ना, लेकिन ये उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है। तो S-300 ये ना, यानी कि ये तो एक किस्म का बेकार पड़ा हुआ था, खराब था, जो काम इसका सिस्टम काम ही नहीं कर रहा और इस पर था। बड़ा मान था ईरान को, लेकिन गलत हो गया। और उसके बरक्स जो इसराइल में 300 दागे गए थे मिसाइल और ड्रोन्स, उनमें से सिर्फ 3 गिरे हैं, मेरा ख्याल 3 या 4 गिरे हैं, इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ और मुझे। उनको उन्होंने कोई डैमेज भी नहीं किया। लेकिन यह भी बात सच है कि इसराइल ने अकेले ने ये सारे नहीं रोके, जॉर्डन ने भी कुछ टेकडाउन किए हैं, कुछ जो यूएसए का शिप था मौजूद उसमें किए हैं, कुछ दूसरी कंट्री मतलब मिल मिला कर सब ने ये किए हैं, अकेले इसराइल ने भी ये सारा कुछ नहीं किया। आपको याद होगा जब 5,000 फायर किए थे रॉकेट से हमास ने, 5,000 किए थे ना, 55, 55, 5,500, 5,500, तो उसमें से काफ़ी रॉकेट्स जो थे ना का उस वक्त रेशो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उस वक्त एक तो सरप्राइज अटैक था और दूसरा यूएसए नहीं आया इन्वॉल्व हुआ, जॉर्डन इन्वॉल्व हुआ, पता ही नहीं चला उनको, तो काफ़ी ज़्यादा फिर डैमेज उस वक्त हुआ था। तो ये नहीं कि सारा इसराइल ने किया, ये क्रेडिट भी नहीं देना, लेकिन इतना ज़रूरी उनका डिफेंस सिस्टम अच्छा है
क्योंकि यूएस ने उनको ये डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है और यूएस उनके पीठ पर हाथ फेर रहा है। अच्छा बच्चे, अच्छे से बच्चा नहीं कुत्ता, कुत्ते की जो है ना पीठ पर उसने हाथ रखा हुआ है, वो फेर रहा है, उसका हौसला दे रहा है कि कोई नहीं आपने जीतना है। जब कुत्ते को जो है मालिक जब उसके हाथ रखता है उसके पीठ पर, तो उसको ज्यादा हिम्मत आती, ज्यादा दिलेरी आ जाती है उसके अंदर कि ये मैं कर सकता हूँ और वो कर रहा है वाकई। फिर उस पर इन्वेस्टमेंट भी, अभी आपने ये भी सुना होगा कि 95 बिलियन डॉलर की अप्रूव हो गई है। ये भाई पहला कंट्री है मैं कहता हूँ कि जिस पे इतना ज्यादा यूएस मेहरबान है, बहुत ज्यादा। तो उसकी तो भाई वजूहत भी है, सारे बैंकिंग सिस्टम कौन चला रहा है यूएसए के, यहूदी, आपके फेसबुक का मालिक कौन है यहूदी, आपके माइक्रोसॉफ्ट, आपके गूगल कौन है, सारे यहूदी हैं। उन्होंने शिकंजा डाला हुआ है दुनिया को, चाहकर भी आप उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी पढ़ो अगर आप करना चले जी। खैर इसमें भी पाकिस्तान एक किस्म का हार गया, ये भी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन है और इंडिया की भी डिप्लोमेटिक जीत है कि पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर भी वो कश्मीर का नाम नहीं ले रहा। ये तो उस समय तो उसने डाली है पूरी पीएम, हालांकि वो ट्रैक पर चढ़ाने की कोशिश की थी कश्मीर पर बोले, लेकिन उन्होंने क्योंकि उनके भाई इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे हैं और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान का कोई पता नहीं कब मुकर जाना, कब फिर जाना है, कब अपने एग्रीमेंट से इन पीछे हट जाना है, ये भी नहीं पता। मैं तो ये भी शाउट हूँ कि शहबाज शरीफ जैसे डीएम के होते हुए भी वो आ गए हैं। हाँ ये नहीं, वो आए इसलिए हमारी आर्मी चीफ के लोगों को उससे मिलने हैं, सच में जो आए हैं हकीकत में, क्योंकि साथ बात करने आएंगे क्या आप करेंगे। अब ये अंदर खाते बड़ी डीलिंग्स होंगी, ये जो हमें हमारे तक नहीं आएंगी, ये जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चलिए खैर शानदार थी वीडियो और पाकिस्तान के इधर भी एक रुसवाई पैदा हो गई। मिलते हैं नए वीडियो में, नाइट आप साथ, गॉड ब्लेस यू।